अच्छा पानी आता है, पानी से नहाते हो क्या? क्या नाम है आपका? नुमान। ज्यादातर 80% जो बहू होती है नई नवेली। मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं भिवंडी में आया हूं, और भिवंडी में मैं जिस शख्स के पास है अजीम भाई साहब, और ये आज ये हमें दोस्तों भिवंडी का टूर करवाने वाले हैं। तो हम इनसे एक बार इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अजीम भाई आप इनका नाम तो अजीम खान है, लेकिन एक बार अजीम भाई आप बताएंगे अपने बारे में कुछ। जी भाई, मेरा नाम अजीम है और मैं यूपी आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, लेकिन तकरीबन 20-22 साल से मैं रहता हूँ भिवंडी में। और खास तौर पे वैसे मेरी फैमिली यहाँ पे रहती है, लेकिन मैं रहता हूँ सऊदी अरबिया ताइफ मक्का में। और आप लोग जो है कि काफ़ी भाई लोग इसमें देखे होंगे, अगर जो आपके व्यूअर होंगे मेरी वीडियो देखे होंगे, ब्लॉग एसके करके मेरा चैनल है। तो ये भाई साहब जो है कि हमसे संपर्क किए, बोले यार मैं भिवंडी घूमना चाहता हूँ। तुमने बोला आ जाओ यार गुजरात, इसमें क्या दिक्कत है? तो बोले यार जो है कोई जवाब नहीं देता, यूट्यूबर बड़े बड़े जो है 1-1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर लिए हुए। हमने बोला यार वो जो नहीं देता, आप आ जाओ बिंदास, जितना हमसे हो सकेगा उतना घुमाएंगे। तो आज मैं इनको घुमाने वाला हूँ पूरा भिवंडी जो है, जो मतलब लूम एरिया है वो दिखाने वाला हूँ। फिर हो सकता है दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो मतलब है मार्केट वगैरह है, मार्केट वगैरह है वो भी दिखाऊंगा। फिर तीसरी वीडियो में हो सकता है मैं ये दिखाऊँ कि जो भिवंडी में स्लम्स एरिया है, स्लम्स एरिया है यानी झोपड़पट्टी एरिया, वो सब दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चैनल वीडियो पूरी ला तक देखिए, और भाई का जितना हो सके उतना सपोर्ट करिएगा। और मेरा भी चैनल है ब्लॉग एसके करके, आप उस पर भी जा सकते हैं, भाई लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो चलिए आप लोगों को पहले हम दिखाते हैं इस वीडियो में लूम साइड की एरिया, यहाँ पर कपड़े कैसे तैयार होते हैं, क्या क्या उसका पूरा पैसे जो है प्रोसेसर है, हाँ कैसे वो साइजिंग में जाता है, साइजिंग में जाने के बाद लूम में जाता है, पूरी एक एक चीज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। बच्चे लोग पूरा पीछे देख सकते हैं दोस्तों, पूरा घेर लिया है, ये देख सकते हैं पूरा एकदम चारों तरफ से। क्या नाम है आपका? अल्ताफ। आपका? आपका आसिफ। और आपका? सद्दाम भाई। आपका क्या कर रहे हो अभी यहाँ पे? आप जो बैट बॉल खेल रहे हैं। अच्छा बैट बॉल खेल रहे हो, आप कहाँ रहते हो? इधर ही रहते हो क्या? घर किधर है आपका? वो सामने देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सामने की तरफ रहते हैं। और आपके पापा ज्यादातर जो लोग कारीगर है ना, हाँ हाँ, ये उनकी फैमिली है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत से लोग जो है छेड़े भाई रहते हैं, और कितने जो है फैमिली से भी यहाँ पर रहते हैं, अच्छा कारीगर होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सब कुछ यहीं पे, और लूम के पास में ही रहते हैं। और अल्लाह जाने कैसे ये लोग यार बर्दाश्त करते हैं इतनी आवाज, यहाँ खटपट खटपट लूम की आती है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। अब ये एक बात बताना चाहेंगे क्या, यहाँ पे मतलब कैसे लोग रहते होंगे भाई? यहाँ पे बगल में नाला है, और इधर देख रहे हैं पूरा जगह भी नहीं है भाई साहब। और भाई साहब इसकी वजह बताता हूँ, कि जो जैसे गाँव से आते हैं यहाँ मुंबई शहर में रहने के लिए, ये कौन लोग आते हैं? ज्यादातर 80% जो बहू होती है नई नवेली, अच्छा अपने हस्बैंड से जो झगड़ा करके आती है, कि मतलब हम अकेले रहेंगे। तो मुंबई शहर का नाम तो सुना है, मुंबई शहर बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन ऐसी जगह पर आकर के रहती है, अब मजबूरी में आ जाती है, अब जाए तो कहाँ जाए, यहाँ पर आती है इसका सुगंध लेने के लिए बेकरार रहती है, आने के बाद फंस जाती है, अब मजबूरन उनको रहना पड़ता है। जब कभी 2-4-5 साल 10 साल में उनकी हालात जब सुधरती है, तो कहीं फ्लैट वलैट में रहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 90% जो गांव से आते हैं तो खोली में ही रहते हैं, नहीं चार्ज में। जब उनका सेटअप हो जाता है धीरे धीरे, तो फिर वो कहीं फ्लैट वलैट तक किराए पर लेकर के रहती है, लेकिन एक मजबूरी होती है, समझ लीजिए इंसान को रहने की, कौन ऐसी जगह पे रहना चाहेगा बराबर। और ऐसी जगहों पर देख लीजिए किराया 2,000-3,000 रुपया किराया है। अभी मुंबई साइड में चले जाओ, ऐसी जगहों का किराया 10,000-15,000। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने वीडियो में, हाँ ये तो भिवंडी शहर है कि थोड़ा यहाँ पे किराया सस्ता है। अभी थोड़ा सिटी में जाओगे तो किराया महंगा है। अच्छा अच्छा। तो अब आते हैं शौक से भाई, उनको पैसे भी तो बचाने हैं ना। बराबर बराबर, बगैर पैसे ऐसी जगह पे रूम लेकर के रहते हैं। और ये नाला है, कभी कभी इसमें बच्चे भी गिर जाते हैं। गिर जाते हैं बच्चे वगैरह? जिसकी तकदीर में बचना है बच जाता है, बाकी जिसकी तकदीर में मौत है तो बह जाता है। अच्छा भाई, बरसात के टाइम पे क्या हाल रहता होगा? ये नदी पूरी फुल चलती है, पूरी फुल चलती है ना, फुल। ये उस टाइम पे तो काफी खतरनाक यहाँ का माहौल वगैरह हो जाता है, एक नंबर डेंजरस हो जाता है ना। ये समझ जाओ कि एक पैर कब्र में, एक पैर कोहनी के अंदर भाई। ये इस एरिया में दोस्तों कुछ ऐसे सीन्स होते हैं
तो अभी दोस्तों हम आगे चलते हैं, भाई जान हमें बताते हुए दिखे। पीछे दिखाता हूँ हाँ। गली जो है देख लिया कैसा रूम है, कैसा रास्ते है हाँ। और उसी रास्ते में बच्चे खेलते भी हैं, कपड़ा भी उसी में धुलना होता है हाँ। सब कुछ हाँ। गांव की औरतें बहू जो है हाँ। बड़ा बड़ा मकान हाँ। छत हाँ। द्वार हाँ। छोड़ करके कैसी जगह पे रहती है, चले दिखाते हैं। देखिए तो ठीक है जनाब, अभी हम आपको चल के दिखाते हैं अंदर। यहाँ पे आप रहते हैं तो मतलब कभी दिक्कत वगैरह नहीं होती, जैसे कभी कोई चिंता होता नहीं, बच्चा वगैरह कभी गिर जाता हो या किसी तरह की प्रॉब्लम होती है क्या? बहुत गिरता है क्या? मतलब ये गहरा कितना होगा, गहरा ज्यादा होगा या मतलब कितना गहरा होगा? अच्छा अच्छा तो नहीं निकलना मुश्किल। अच्छा अच्छा, और बरसात के टाइम में क्या माहौल रहता होगा भाई? यहाँ पे पूरा फुल रहता है, इतना पानी रहता, इतना पानी रहता है। ये आपका घर है क्या? अच्छा, ये आपका रूम रेंट कितना है भाई जान इसका? हाँ, 1000 रुपये भाड़ा है क्या? अच्छा अच्छा, तो कौन सा काम करते हैं भाई? हम लोग ईटा गारा। हाँ, ईटा गारा। अच्छा, ईटा गारा काम करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? यूपी से। यूपी में कहाँ से? लखनऊ। अरे जनाब, लखनऊ में कहाँ से? हम तो जौनपुर के हैं, लखनऊ में हम पढ़ते थे। अच्छा, बहराइच से हैं आप। क्या नाम है आपका भाई? शहजाद अंसारी। शहजाद अंसारी। और आपका भाई? हुसैन। अच्छा, और ये आपकी बहन है? अच्छा, ये सॉरी यार, सॉरी ये। और ये कुत्ता आप नहीं पाल रखा है क्या? या हो यार, सही है भाई। लेकिन यार भाई, आपको कभी इधर डर वगैरह नहीं लगता, जैसे कि अंदर नाजा वगैरह बच्चे नहीं है तो इसके लिए अपने रेशा नहीं हुआ है? बच्चे हो जाएंगे तो फिर इधर थोड़ी रहेंगे, तब चेंज कर देंगे ना। अच्छा, मतलब इधर रहने की एक ही वजह है कि थोड़ा सस्ता वगैरह मिलता है, इस वजह से ना। अभी है तो अगले महीने में खाली कर देंगे। अगले महीने में खाली कर देंगे। बारिश में पानी रह जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ओके भाई, हम चलिए, शुक्रिया और बताने के धन्यवाद। तो खानिए दोस्तों, कुछ रोज वगैरह है जो कि मैं आपको फिलहाल दिखाने की कोशिश कर रहा था। बता रहा था दोस्तों, रूम का जो किराया वो बंदा बता रहा था हर पर्सन के हिसाब से, लेकिन दोस्तों वाकई ये जगह काफ़ी खतरनाक है। और उसके साथ साथ दोस्तों नहीं, चारों तरफ से लूम की फैक्ट्रियां हैं। इधर खटर पटर की आपको कंटिन्यू आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये सारा लूम एरिया है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये पब्लिक शौचालय वगैरह है। और अभी दोस्तों ये चारों तरफ से लूम का कारखाना वगैरह दिख रहा है। इधर आप देख पा रहे होंगे, ये भी लूम का कारखाना है। अभी दोस्तों हम चलते हैं गलियों के अंदर, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। इस तरह से देख पा रहे होंगे, ये पतली गलियाँ हैं भाई साहब। और इसी गलियों के रास्ते में ही जो बर्तन वगैरह मांजती हैं, और इस तरह से बच्चा देख रहे हैं अपना मजा ले रहा है यहाँ पे अकेले खड़ा होकर। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ की कुछ इस तरह से गलियाँ हैं, इस तरह से बच्चे वगैरह अभी खेल रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों अभी हम अंदर के साइड में भी। अभी जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा रहा था नाले के किनारे किस तरह से लोग रहते हैं, यहाँ पे भी दोस्तों इस तरह से देख पा रहे होंगे, पूरा साइड से घर वगैरह। ये क्या चीज है भैया? अच्छा, बिस्ती है क्या? बिस्ती, अच्छा अच्छा, मतलब खाने वगैरह क्या सिस्टम रहता है भाई जान यहाँ बिस्ती में? मंथली चार्जेस वगैरह क्या रहते हैं, कुछ बताएंगे क्या? हाँ भैया, कितना रहता है मंथली खाने का चार्ज? अच्छा अच्छा, तो भाई जान को नहीं पता है फिलहाल दोस्तों, लेकिन इस तरह से बिस्ता की जो बैचलर लोग रहते हैं वो यहाँ पे खाना वगैरह पसंद करते हैं ना। हाँ हाँ, कारीगर लोग यहाँ पर अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये भाई अभी बता रहे थे, जैसे जो यहाँ पे लूम वर्कर होते हैं वो अपने परिवार के साथ नहीं रहते, अकेले रहते हैं। परिवार फैमिली वाले, फैमिली वाले भी लूम में खाना खाते हैं? नहीं नहीं, फैमिली वाले तो अपना बनवाते होंगे ना, बनाते हैं ना। हाँ 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 हाँ, ये देखिए गली से थोड़ा सा बाहर है। अच्छा अच्छा, सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब छोटी मोटी मार्केट है, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ चाली चाल है। हाँ हाँ, और चाल के अंदर भी आपको काफी अच्छी अच्छी दुकानें, मतलब किराना स्टोर ये सब मिल जाएंगे। हाँ हाँ, और हर एक चीज फैसिलिटी होती है, ऐसा नहीं है। जैसे मुंबई शहर में भी जब चाल साइड में जाओ तो अच्छी अच्छी फैसिलिटियाँ होती है, यहाँ पर पानी एकदम हर चीज। जैसे कि दोस्तों हर जगह के चार्ज में इस तरह से पतली गलियां खैर कॉमन होती है, लेकिन वहाँ पे मैंने जो एक चीज आपको यहाँ पे अलग दिखाई, जैसे कि मैं धरावी वगैरह के एरिया में अक्सर घूमता हूँ, तो वहाँ पे जो नाली वगैरह होते हैं इतने खतरनाक तो नहीं थे दोस्तों, वहाँ पे रेलिंग वगैरह लगी रहती है, लेकिन एकदम यहाँ पे ओपन नाला है और वहाँ पे बच्चे वगैरह खेल रहे थे यार। अगर उसमें बच्चे वगैरह गिरेंगे तो उनका क्या होगा, वही मैं सोच रहा था। और मैं उन भाइयों से पूछने लग गया, भाई यहाँ पे बच्चे वगैरह खेलते हैं क्या, गिरते भी हैं क्या? वो कह रहा भाई यहाँ खेलते भी हैं और गिरते भी हैं। मैं कहा कितना गड्ढा होगा? बोला गड्ढा ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बरसात के टाइम में दोस्तों वो काफी खतरनाक माहौल हो जाता होगा। हाय, ये है। और यहाँ पे दोस्तों हर जगह की तरह बाहर जो टंकियां रखे हुए हैं, इस तरह से पानी की टंकी वगैरह है। अच्छा अच्छा, लेकिन पानी का सिस्टम यहाँ पे क्या है भाई? पानी बराबर यहाँ पे आता है कि नहीं? पानी बराबर आता है ना? पानी बराबर आता है। बराबर आता है। क्या नाम है आपका? अमन।
अमन, अच्छा अमन भाई आप यहीं रहते हैं क्या? अच्छा पानी आता है, पानी से नहाते हो क्या? क्या नाम है आपका? नुमान। ये बच्चे जो अपने मस्ती कर रहे हैं अभी, नुमान भाई, तो मतलब ये कि दोस्तों ओवरऑल सब ठीक ठाक है, इसमें भी नल लगा, इसमें भी नल लगा, सब जगह लगा है, नल वगैरह ना, साढ़े सात बजे तक, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक आता पानी? सात बजे से आता है, साढ़े सात बजे रात को, सुबह रात। अच्छा अच्छा, तो ये दोस्तों कुछ देख सकते हैं बच्चे जो काफी एक्साइटेड है। आपको पता है मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, आपका नाम रोजी, और भाई आपका नाम? अरे बता दो यार, नाम बता, सदाब। तो इस तरह से दोस्तों बच्चे जो काफी अभी फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं। ओके बाय। तो अभी दोस्तों हम घूम रहे थे तो मैं पूछा पानी वगैरह आता है, बच्चे एकदम कूद कूद के बताने लग गए। ये फिलहाल दोस्तों इस तरह की यहाँ की पतली पतली गलियाँ हैं जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, और अभी हम चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। इस तरह से यहाँ पे जो हाँ चलिए हो गया, इस तरह से दोस्तों लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये समर सेबुल है क्या? हाँ समर सेबुल है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑपरेटर के द्वारा ये लगवाया गया है। हाँ, हाँ। जो कभी नल में पानी ना आए तो समर सेबुल चालू करके आदमी अपने घर पे टाकी में पानी भर सकता है, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। अच्छा अच्छा, कभी मंडी में अक्सर आप जिधर भी जाएंगे ना, जगह जगह पे आपको समर सेबुल लगा हुआ मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये नहीं कि ये किसी का पर्सनली होता है, ये कोई भी यूज कर सकता है अपने जरूरत के मुताबिक। अपने मतलब लाइट बिल के का क्या सिस्टम होता होगा? लाइट बिल मतलब कॉमन? नहीं नहीं, वो सब लोग ये मिल के भरते हैं या वो सरकारी जो होता है? हाँ, जिस तरीके का होता है, मतलब हमें लग रहा है ऐसा भी हो सकता है जितने लोग यूज करते होंगे जितना मीटर आता होगा सब में डिस्ट्रीब्यूट बराबर 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 हो सकता है, ये भी सिस्टम इसके बारे में। हाँ, या तो फिर हो सकता है मंथली चार्जेस के हिसाब से हो, जैसे किसी ने नहीं किसी कोई नहीं कोई मंत्री उंत्री नहीं है, जिसको भी पानी की जरूरत है, पानी नहीं है जिसको भी जरूरत है वो अपना चालू करे, चालू करके पानी भर सकता है। अच्छा अच्छा, ये चीज है, ये किसी का नहीं कि हाँ मतलब 10 आदमी इसे भर सकते हैं या 15 आदमी भर सकते हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों कुछ इस तरह से बच्चे जो क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। अरे छोटू क्या है, हॉकी था क्या? ये हॉकी खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो? ओ तुम बैडमिंटन लेके खेल रही हो हॉकी? हाँ क्या खेलने नहीं आता क्या? खेलने नहीं आता? आप क्या खेल रहे हो, बैडमिंटन? हॉकी? और भाई भाई भी आप भी हॉकी खेल रहे हो? ये बैट लेके हॉकी? यार ये कौन सा हॉकी है? तो फिलहाल दोस्तों कुछ देख सकते हैं इस तरह से बच्चे जो हॉकी वगैरह खेल रहे हैं। ये पूरी एरिया देखे ना, अभी उसके चाल के जो बाहर की एरिया है। हाँ। ये भी देखिए अभी काफी डेवलप मसाला हो रहा है। अच्छा। तो ये देखिए बिल्डिंग वल्डिंग यहाँ पर बन रही है, और ये सब देखिए अब धीरे धीरे दुकानें टूट रही हैं। यहाँ पर भी पहले चाल नुमा था, और देखिए यहाँ पर भी अभी बिल्डिंग बन रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो काफी सारी है। और इधर भी देखिए ये सब जो चाल नुमा जितना भी था अभी धीरे धीरे यहाँ पर बन रही है। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छे नहीं थे अभी तो, खैर बहुत अच्छे रास्ते बन गए हैं। ये रात में पूरा उजाला रहता है, धीरे धीरे तरक्की करेगा ना भाई, एक बैग तो कोई चीज तरक्की होती नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों मैंने आज आपको दिखाया भिवंडी का सजम एरिया, मैं काफी दिन मेरिया देवनगर। हाँ भिवंडी सजम एरिया देवनगर करके इस जगह का नाम है। काफी लोगों का डिमांड था कि भाई आप एक बार भिवंडी जाके हमें वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत दिखाइए, तो फिलहाल मैंने दोस्तों आपकी डिमांड के हिसाब से ये जगह दिखाई। बाकी आपको ये जगह कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे चैनल पे भी जाइएगा। हाँ भाई जान के चैनल, भाई चान के चैनल पे जरूर विजिट करिएगा, इनके चैनल का नाम है ब्लॉग ASK। ज्यादातर मेरे चैनल पे आपको सऊदी अरब की इन्फॉर्मेशन की वीडियो मिलेगी। हाँ, सऊदी अरब का ब्लॉग, बिल्कुल। अगर आप भाई जान कहीं सऊदी अरब वगैरह जाना चाहते हैं या मतलब वहाँ की कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें जानना चाहते हैं तो इनके चैनल पे आप विजिट करके सारी चीजें देख सकते हैं। और भाई जान का आज मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा, इन्होंने मुझे वाकई दोस्तों काफी घुमाया। और भाई साहब के पास मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज किया था, इन्होंने मेरा रिप्लाई किया। वैसे ये बड़े यूट्यूबर हैं, हम खैर छोटे यूट्यूबर नहीं मेरे भाई, तो इनका हम दोस्तों शुक्रिया अदा करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा, फिर मिलेंगे।